वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज हरी मिर्च का कीमा भुना बनाने की रेसिपी। और ये भुना हुआ कीमा बहुत टेस्टी बनता है और प्याज हरी मिर्च के साथ हम इसे बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी सा ये कीमा की रेसिपी आप भी बनाएं। तो चलिए बनाते हैं कुकर में इसे, तो ये झटपट भी बनकर तैयार होगा। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून तेल कुकर में ऐड कर दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से 1 टीस्पून अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। साथ में यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1/2 टीस्पून ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब ज़ीरा इस तरीके से तड़क जाएगा और हल्का हल्का देखिए अदरक लहसुन भी हमारा गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, तो ये प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ले ली थी ये 12 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में ये 1 टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, छोटा टमाटर इसमें हमें ऐड कर लेना है। टमाटर भी ऐड करने से बहुत अच्छा हमारे जो भुना प्याज का कीमा हम बनाएंगे ना हरी मिर्च का, उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए अब हम मिलाते हुए इसे बहुत अच्छे से भुनेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हल्का हल्का हम इस तरह से देखिए कलर आने देंगे लाइट गोल्डन, तब तक हमें इसे भुनना है। टमाटर देखिए पूरी तरीके से घुल जाएगा, इतना हम प्याज और टमाटर को भुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने कीमे को वॉश करके रख लिया है, तो ये कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 300 ग्राम मैंने ये कीमा ले लिया है। अब कीमे को प्याज के साथ हम बहुत अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि कीमे में से थोड़ा थोड़ा पानी भी रिलीज़ होगा, तो वो पूरा पानी को हमने यहाँ पर ड्राई कर लेना है। तो चलिए पूरा पानी जो निकलेगा कीमे का वो ड्राई कर लेते हैं और इसे तेल रिलीज़ होने तक हम यहाँ पर भुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तेल रिलीज़ होने तक मैंने बहुत ही अच्छे से कीमे को यहाँ पर भून लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी और साथ में 1/2 टीस्पून जितना नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद हम इसे मिलाएंगे और मिलाते हुए हम इसे आधे मिनट के लिए फिर से भूनेंगे। तो ये बस हमें मिलाते हुए यहाँ पर भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और पानी डालने के बाद बस हम इसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम कुकर की लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 4 प्रेशर, ताकि हमारा कीमा बहुत अच्छे से गल जाए। तो बस हाई फ्लेम पर हमें ले लेना है यहाँ पर 4 प्रेशर, और 4 प्रेशर लेने के बाद पूरा प्रेशर हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर लेंगे, या आप इस तरह से प्रेशर ओपन भी कर लें। अब देखिए थोड़ा थोड़ा जो पानी बचा हुआ है ना, उसे हम हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे और बहुत अच्छे से भुनेंगे, तभी हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और हमारा भुना कीमा जो है हरी मिर्च प्याज का वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने भुना है इसे। मैं और भुनूंगी अच्छा सा तेल रिलीज़ होने तक। जब इस तरह से पूरे तरीके से तेल रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे वह हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर भी हम इसे कर लेंगे मिक्स। और हरा धनिया डालकर ये मैंने मिक्स कर लिया और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस भुना कीमा जो है वो बनकर तैयार है प्याज और हरी मिर्च का। तो आप भी इस तरीके से ये भुना कीमा की रेसिपी बनाएं, बहुत ही आसानी से कुकर में आप इसे बना सकते हैं, जो खाने में भी बनता है बहुत टेस्टी चटपटा सा। तो आपको ये भुना कीमा की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और आप भी इस तरीके से ये रेसिपी बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a good day.